Regarding forthcoming Ramcharan festival, sir, the how to maintain the discipline to the commuters as well as the self-discipline regarding traffic safety, sir. I am proudly welcome to you, sir, to this seminar, sir. आज सबको बुझाने से है कि हमारे ब्लॉक ऑफिसर श्री के बाबूराव साहब सौजोन ट्रैफिक डीसीपी आज आपके लिए हमारे को वैल्यूएबल टाइम कैसे पर आने वाला माह रमजान महीने का जो बंदोबस्त का बारे में और जो फुटपाथ वेंडर्स है जो मेवा बेचने वाला है और कपड़ा बेचने वाला है और उनको आज इधर मीटिंग लगाया गया इसलिए लगाया माह रमजान महीने में जो रोज़गार रहता है और नमाज रहता है वो लोग ये लोगों की तरफ से तकलीफ नहीं देना और साथ साथ में जो ट्रैफिक है ट्रैफिक भी वो लोग अपना नजर में रखते हुए अपना कारोबार करने के लिए उन्हें समझाने के लिए आज मीटिंग बुलाया गया और ये लोगों का जो कारोबार है सही तरीके से कर लेने के लिए और रोड में कैसा बंडिया रखने का है कैसा कारोबार कर लेना है उन लोगों को समझाने के लिए आज मीटिंग लगाया। ये मीटिंग में उन लोगों का भी मशवरा लेकर आने वाला रमजान महीने में इसको भी तकलीफ नहीं ऐसा बंदोबस्त का इंतज़ाम ये लोग साथ लेकर करने के लिए आज मीटिंग को मुद्रा किया। रमजान का महीने में चारमार्ग जो पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट है उसमें ट्रैफिक भी अलाउ नहीं है मगर जो कारोबार करते हर साल वो लोगों के लिए हम मीटिंग करके मीटिंग के बाद ऐलान करेंगे वो लोग रखना नहीं रखना रखे तो कितने जनों को रखना पड़ता है वो उनको रख सकते एक दो तीन दिन में हम उसको फैसला कर कर वो लोगों को मौका दिया ऐसा करें। पुलिस वाला कभी भी नशा जाती है पुलिस भी एक इंसान है हम एक बार दो बार तीन बार दस बार बोलने के बाद भी अपना अपना फितरत से बाहर नहीं आए तो जब उसको हटाना पड़ता वैसा है मगर पब्लिक क्या है बोलो तो अपना अपना कारोबार के हिसाब में मैं सामने रहना बोल के हर आदमी फितरत है वो बिजनेस अच्छा होता बोल के मगर ये लोग ये समझना है पब्लिक को जो जरूरत थी वो लोग किधर ढूंढते हुए आके खरीद लेते हैं पुलिस वाले रहते कब रहते अमन शांति रखने के लिए रहते अपना को पार्क रमजान का महीने में पार्किंग को हम दो प्लेसेस इंतजाम कर रहा है एक चारमार बस स्टैंड फुल बस स्टैंड का एरिया जो है पार्किंग के लिए हम लगा रहे हैं दूसरा पेंशन ऑफिस है ना पेंशन ऑफिस की भी पूरा मुकम्मल तैयार कर रहा है और किलवत ग्राउंड के लिए भी आप पार्किंग करने से सब चारमार की पार्किंग कब तक कंप्लीट होंगी चारमीनार बस स्टैंड के अंदर जो है 20 मार्च से स्टार्ट हुआ काम डेढ़ महीने से वैसी पेंडिंग है अभी एक एक फीट के जो है राट छोड़ के रखे अभी जो कार्स आ रहे हैं बाहर के टूरिस्ट लोगों को नहीं मालूम उनको पूरा डैमेज हो सकता मैं अभी थोड़ी देर पहले एसीपी साहब भी बोला कि मीटिंग के बाद आप लोग विजिट करिए उसको रिमूव करवाइए जाएंगे क्योंकि लोगों को बहुत से ज़्यादा लॉस हो सकता है कल मैं जाके जी भी देखा जी देखने के बाद उसके बारे में जी एच एम सब अफसर से बात करा जी रमजान से पहले सिर्फ वो पार्किंग बनाने की जल्दी थी सर लेकिन आज डेढ़ महीना हो गया लेकिन उसको जो है कंप्लीट नहीं किया गया। अब आपको भी डेढ़ महीने के बाद मैं मीटिंग लगाने से याद आ रहा है जी डेढ़ महीने से आप भी काम में बैठा हुआ है जाके जी एच एम सी अफसर से पूछना था बिल्कुल आप भी मशवरा देना था करते थे बिल्कुल हमारे तरफ से हम बोलेंगे ओके रमजान पवित्र रमजान ఎలాంటి ట్రాఫిక్ సమస్యలు ఉత్పన్నం కాకుండా
అలాగే ఈ ఫుట్పాత్ వ్యాపారస్తులు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ వ్యాపారాన్ని ఏ రకంగా చేసుకుంటే బాగుంటుంది, ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగించకుండా ఉండటాని కోసమై ఈరోజు ఈ ఫుట్పాత్ వ్యాపారస్తుల యొక్క మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. ఈ మీటింగ్లో వాళ్ళందరికీ కూడా మన ట్రాఫిక్ పోలీస్ తరఫున మా విజ్ఞప్తి చేసాము, వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలిగించవద్దని, ట్రాఫిక్ సవ్యంగా జరగాలని, సాగే విధంగా వాళ్ళు మాకు కోఆపరేట్ చేయాలని, అదేవిధంగా ఎవరైతే నమాజ్కి వస్తారో అలాంటి వారికి, ఎవరైతే రోజాలా ఉంటారో అలాంటి వారికి చాలా గౌరవంగా వాళ్ళకి మంచి దారించి వాళ్ళు సుఖంగా ప్రార్థన చేసుకుని వెళ్ళే విధంగా వాళ్ళందరికీ కోఆపరేట్ చేయమని వాళ్ళందరినీ మేము అభ్యర్థించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ ఫుట్పాత్ వ్యాపారస్తుల యొక్క వాళ్ళ వ్యాపారం కూడా దెబ్బతినకుండా ఏ రకంగా పెడితే బాగుంటుంది, ఎట్లా పెడితే బాగుంటుంది అని వాళ్ళతో చర్చించడం జరిగింది. మేమందరం కూడా ఒక స్పాట్కి వెళ్ళి అక్కడ చూసుకుని ఎవరు ఎక్కడ పెడితే బాగుంటుంది, ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగించవద్దని మేము మనం చేస్తున్నాం వాళ్ళందరికీ. వాళ్ళందరికీ ఈ మీటింగ్ పెట్టి వాళ్ళందరికీ ఇదే విధంగా వాళ్ళని అభ్యర్థన జరిగింది, అలాగే హెచ్చరించడం జరిగింది. ఇతర రాష్ట్రాలు వచ్చినా కూడా, లేదంటే హైదరాబాద్ సిటీ వాళ్ళు వచ్చినా కూడా వాళ్ళందరూ కూడా ఎలాంటి పార్కింగ్ సమస్య రావద్దనే ఉద్దేశంతో జిహెచ్ఎంసీ ఆఫీసర్తో కలిసి మేము మన చార్మినార్ బస్టాండ్ని, అలాగే పెన్షన్ ఆఫీసు, అలాగే మన కిల్వత్ గ్రౌండ్ కూడా ఈ మూడింటిని ఐడెంటిఫై జరిగింది. అవన్నీ కూడా ఒక రెండు రోజుల ముందే, రంజాన్ కంటే రెండు రోజుల ముందే ఆ మూడు ప్లేస్ని పార్కింగ్ వరకు సిద్ధం చేసి ఉంచుతాం. ఈ శాపోత్సవాన్ని మొత్తం తల్లిపండేస్తాయి ఒక నెల కూడా ఉంటాం. వాపే రోడ్ మీద పైన ప్రతి సార్ బైక్ అలాగే అందరం తిరిగి ఒక సిస్టమ్ డిఫరెంట్ जाकर उसको सही तरीके से पार्किंग करने लगाए तो कैसा खुला दिख रहा है, एक डिस्प्ले से दिख रहा या तो लापरवाही दिख रहा, कैसा रहेगा अच्छा है ये अच्छा है वो अच्छा है नहीं वही अच्छा है भाई ना उससे वापस नहीं आता हूँ मैं अपना पूरा ख्याल का आवाज दिखा देना भाई ऐसा ना मैं ना होना नहीं होना भाई देखिए बच्चा मैंने जैसे सबसे पार्टी गए ना अपना वही चला है बस देखिए मंदिर रेस्टोरेंट सामने पहले कैसा था बाद में कैसा था ये क्या ये एक कहावत है मैं लोग सुना बच्चा सबसे पार्टी गए ना अपना वही चला है बस देखिए मंदिर रेस्टोरेंट सामने पहले कैसा था बाद में कैसा था ये क्या ये एक कहावत है मैं लोग सुना वैसी रहे तो अपना को देखने के लिए अच्छा लगता अपना आपको बाद में कैसे डिसिप्लिन से वैसे रहते तो अपना को देखे नहीं देखते अपना है ना भाई हाँ हाँ फिर नया आप लोग बनाना मैं नहीं बनाना आप लोग बनाना वो आप लोग बनाने के लिए दिखा रहे हैं हम राइट नेक्स्ट बहुत सी अपना बहुत सारे अपने सामने है ना वो देख कैसा है पहले कैसा है बाद में कैसा है देखा डिसिप्लिन हम सीखना है और आने वाला नस्ल को भी सिखाना है. इसलिए पुराना शहर का जो ओल्ड सिटी का जो नाम है उसको मिटाकर ये ओल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनाना बोले तो आप लोग का भी ताबूत आना है. इसलिए आजकल पढ़ाई जो है हर घर में हो रहा है मेरे दोस्त एक आदमी है वो आगे बोल रहा था बात कर बच्चे स्कूल जाके गुटपाने खेड़ी बोलना सीखे सब लोग इतने कुछ हो रहे हैं वो मैं बोल सकता हूँ इतने कुछ हो रहे हैं मतलब है
बाहर जा रहा है, जब बच्चा पढ़कर अच्छा अच्छा नौकरी मिल गया तो कैसा लगता, कल का बच्चा आके डैडी ऐसा करना अच्छा नहीं है, पब्लिक को सताना अच्छा नहीं, बोला अच्छा है नहीं, हम खुद उसकी मिसाल बन कर आना है, उसके पेपर हमें लेके जाना है। देखो भाई मंडी, देखो भाई ये अपना है ना, नेक्स्ट देखो भाई ये ठीक है साहब, ये ठीक है चमसी गाइस एसबीआई बैंक बैंक है, शाम में जाना किरण देखता, किरण का आवाज आते पीछे एमएम सेंटर है, पीछे शामिल मजने का एमएम सेंटर है, उधर रिंग्स लगा था 15 दिन से बोल रहा हूं मैं, एक मार्क पता है ये मार्क लग रहा हूं लगा रहा हूं 15 दिन से बोल रहा हूं, कल आके लास्ट में दो रिंग्स ले लिया केस बुक कर तू बोल के बुला के एक बार बोला साहब मेरे फोन भरोसा करो साहब आज लास्ट वाले करके पत्र मास्क कर रहा है ठीक है बोल छोड़ देना, अब आने का नहीं तो सेव है सकते मैं इस तरफ हूँ वो उस तरफ है, अब आप लोग के जल्दी आना है मेरे को क्या करना है क्या, दो भी नहीं होता
आज गुस्सा है, कल दोनों मिलके मिलजुल के जाना है जाना। अब 1 लाख पत्थर मारे तो भी क्या हुआ, वो हवा में जाना जाके सामने दीवार गिर के मारना। फिर वैसे पत्थर मारने से क्या आपको मिल रहा है? नहीं साहब, हम पहले हम शुरू नहीं करे, वो लोग शुरू करे। ठीक है, आप रोक दो डालना, मैं बोलते जा रहा हूं। बोल के वो लोग बोल जाए, नहीं भाई देखो आप जिम्मेदारी है, इधर से एक पत्थर नया ना मैं रुक जा रहा हूं। जाके फिर वो लोग भी ये बातों को फिर उन्होंने रिपीट करा। नहीं साहब, पहले हमने शुरू करे, वो लोग शुरू करे। ठीक है, वो लोग रोक दिया, आप ही रुक जाओ, आप ही कर दो जाओ, उठा दिया दोनों मान लिया बात चलेगी। ऐसा अपने जज्बात की बात नहीं करना, मजबूत की बात करना। मजबूत ऐसा रहना है अपना बच्चों को, बीवी बच्चों को ऐसा अच्छा रखना है, उसमें चलना है। अरे बीवी बच्चों को आप ही देखभाल करो साहब, बोल रहे फिर मेरे ग्राहक अच्छा पढ़ना, ग्राहक अच्छा हो तो प्यारा पड़ना, बोल रहा यही बात है ना। ग्राहक अच्छा होना बोलो, मैं रोड पे आना पड़ता, रोड पे आए तो मेरे कहने का अच्छा होता बाजू वालों से, है ना भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, क्या कहा? आजू बाजू वालों को तकलीफ न दे, बोलो खाया नहीं खाया वो देखो आप, समझे ना भाई। मैं रमजान का महीने में सब जाने बोलते पूरा सही तरह काबू में आते बोलते, कई को हम इबादत में रहते, हम इबादत में रहने से पूरा सैतान सो जाता है, मगर अपना पास सैतान उठता है। है ना भाई, मेरा कारोबार अच्छा होना, मेरे कारोबार अच्छा होना, रोड पे आते हैं, रोड पे आते हैं, कितने सारे थे बोलते भाई सलाम करते पीछे कर भाई अच्छी बात सब पैसा जाता मेरे गाड़ी जाते कि सामने फिर खप सुधर नहीं कर भाई। ये ओल्ड सिटी बोल के खप खप कर ये कब तक सुनेंगे, बोलो कब तक सुनेंगे। अपना मजहब भी दर्द नहीं देना ऐसे काम करने के लिए, क्या भाई अपना बच्चे भी नहीं बोलते ऐसा करो बोल के, अपना बीवी भी नहीं बोलते ऐसा करो बोल के, कहीं बोल जाओ कई बार बोलते रहो, जानना करें ये प्रूफ बनी लोग को भाई, एक सिस्टम से रहो, एक रेल से रहो। हमारा इरादा तो ये नहीं है आपको पेट में मारना, आखिर में कल जाके मैं इतने गुस्सा में रहा पूरा बढ़िया गिंडिया पूरा उठा के चले तो जब सिस्टम आ गया एक लाइन से रख लिया, फिर ऐसा कब तक, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना कारोबार भी का जारी रहना है, पब्लिक भी तकलीफ नहीं देना है। और भाई और है ये देखो भैया ये इधर का बोल रहे हैं यश भाई कॉम्प्लेक्स, यश भाई कॉम्प्लेक्स करें तो अभी इन सवालों में सही बात है, मैं बोलना बोला बोल रहे जैसे वैसे काम कर सकते हैं इंसान में सहायता है, बोलना वो लोगों को आने जाने वालों को ट्रैफिक के लिए कोई फिक्र नहीं, वो लोग कोई फिक्र नहीं क्या है, बोलो कैसा बोलो कैसा समझाओ। नेक्स्ट बजरा को गुजारा हो सकता क्या भाई, ये फोटो सही बात, कुछ दूसरा फोटो नहीं मिला जो बोले इंस्पेक्टर बोले इंस्पेक्टर का क्या रूप बेंडर मिले हो मत रूप बेंडर से भी मजला जी के गुजरा में ये होते तो लेकिन नया एक्सपेंस जाना ये
हाँ नेक्स्ट चारा मॉडल देखो मैं पहले कैसा है बाद में कैसा है क्या करेंगे अभी हो गया हमरो नया राइट क्या समझ में आ रहा भाई से क्या करेंगे अभी कौन बात करते हैं इसमें इसके बारे में कोई बात करने वाला है तो सामने आकर बात कर सकता है आप सिस्टम बनाओ आप रोड का सिस्टम मारा भाई लकीरें मार दिया आ रही लकीरें मार दिया आ रही एक आदमी चार बाय चार लगा था एक आदमी चार बाय आठ लगा रहा मैं एक बात बोल रहा अभी आने वाला रमजान का हाथ में इसका इंतजार रहते हैं रमजान का महीने में बार बार के इंतजार रहते हैं खाइए लो फिर वैसा तो भी आपको मौका दे देते ना फिर मौका देना है तो आप आठ बाय आठ लगे तो उसको मौका कैसे मिलता आप मौका कैसे मिलता सबके लिए मौका मिलना है अपना सब जन जीना है थोड़ा जन ऐसा है एक महीने में कारोबार करके एक साल जीता फिर वैसा भी देख रहे ना भाई बैठे बैठे भाई सलामुअलैकुम आपसे बात करते करते हम लोग करते जा रहे लेकिन हम इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि हम आपको समझा नहीं सक रहे देखो दोस्तों ज़रूरत हर आदमी की है ज़िंदगी हर आदमी की है और हम इस तरह से जिए हम भी जिए और दूसरों के ज़रूरत ज़रूरियात जो यानी मैं बोलना चाह रहा हूँ कि रोड पे से जाने वाला आराम से रोड से जाए आपके पास जो आकर ख़रीदने वाला फ्रूट्स को मेवा को जो भी सामान खरीदने वाला आराम से ख़रीद कर जाए और हमारी जगह को इस कदर मुख्तसर बनाए कि हम वहाँ पर बिज़नेस करने के काबिल रहे हम हर जगह पे एक गोदाम बना दे रहे हैं और हर जगह पे एक बड़ा माल जैसा कर दे रहे हैं तो दोस्तों कहीं भी जैसे कि ये काम कर नहीं सकते आप लोग और रही बात चार मार की मैं दोहरा रहा हूँ आप लोगों के सामने बहुत अच्छे नए किरादे से करे थे हम लोग कि चार मार जैसा मॉन्यूमेंट को एक करेंगे आप लोग में यूनिटी नहीं है हम में यूनिटी नहीं है और आपको हमारे में से भरोसा उड़ गया जब हम दिल से कर चाह रहे थे कि आपकी मदद करें आप लोगों के लिए एक एरिया बनाएं आप लोगों के लिए एक फ्लाईओवर बनाएं जहां पर आपको प्लेसेस अलाट करें आप लोग उनके इनके बातों में जाके 5,000-10,000 जो भी दे रहे हैं आप लोग आर्डर ला ले रहे हैं मुख्तसर है दोस्तों वो परमानेंट में काम आने वाला नहीं है सवाल ये है कि जैसे कि आप लोग देखो गरीब इंसान हर एक के खानदान में मेरे खानदान में भी चार याद नहीं लेकिन कोई आप जैसे बिजनेसमैन है तो हम चाहते हैं कि जैसे कि आप लोगों की ज़िंदगी ख़राब करें यार आप लोगों का क्या क्योंकि हम भी तो देखो मैं जैसा एडिशनल डीसी भी बन के क्या मैं आया बाहर दुनिया में मैं भी जिंदगी की हर लेवल देख जाया और जब जब मैं गुजर रहा था कि ज़िंदगी में हर एक की ज़िंदगी मालूम है मुझे तो हम अथॉरिटी से बोलते रोड पे कि करना इसलिए बोलते कि आपसे करवाने के लिए बोलते ये बात नहीं कि तुम्हारे पीछे क्या क्या तकलीफात हैं वो हमको नहीं मालूम वो पूरे तकलीफात को नज़र में रखते हुए आपको जैसे चाहते कि हम आप रोड पे कुछ जगह रखें लोगों को आने जाने की जगह दें और माहौल बना रखें गांव में जैसे कि एक बोल्ड सिटी का एक अच्छा माहौल बनाए जब भी सीनियर ऑफिसर महेंद्र जी साहब दीप जी साहब मिलते यही पूछते कि जैसे कि तो ओल्ड सिटी को नए सिटी के बराबर बनाना कभी भी ओल्ड सिटी आते हैदराबाद चार मार करते साहब यही बात बोलते कि हम उस कोशिश में ओल्ड सिटी को नई सिटी बनाने की कोशिश में अमेर से ऊपर भी एक ओल्ड सिटी के पुराने दोस्त 18 साल जो काम करे उनको जैसे ट्रैफिक के डीसी बना के यहाँ पर पोस्टिंग करे
आप सुन, आप मैं मेहनत की बात ही कर रहा हूँ भाई, मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको। तो देखो, आप हमारा भी मकसद समझिए, हम आपके दुश्मन नहीं है, हम आपके साथ है। बात यह है कि हैदराबाद पुराने शहर का नाम थोड़ा बदलने की कोशिश करिए। यहाँ पर सफाई हो सकती, यहाँ पर आदमी आसाम से रास्ते से चले जा सकता, यहाँ पर बाजार में जो भी खरीदने के वास्ते बाहर से आता वो आदमी खरीद कर आसाम से चले। आपको मालूम है थोड़े लोग अब ओल्ड सिटी नहीं जा सकते भाई, वहाँ पर गए तो आना मुश्किल। ये बिजनेस किसका खराब हो रहा, बहुत सारे लोग नई सिटी वाले आ रहे नहीं। तो आप लोग यहाँ की जो नाम है चार मीनार का, जो तहसीब है यहाँ की, कायम रखिए। बहुत देर से आप शायद वेट कर रहे होंगे, हम लोग काम पर जो इसी उधर दूसरी तरफ पर मसरूफ थे। मैं मुख्तसर बोल रहा हूँ आप लोगों को, और वकीलों के पीछे मत फिरिए आप लोग, पैसे मत ज़ाया करिए। आपके वकील भाई दोस्त, आपके हमदर्द, आपका घर वाला सिर्फ हमें। आपको कोई भी आदमी जैसे कि जो हम दिखते बाहर से जैसे कि एक जरा अरे आदमी कैसे, लेकिन अंदर से दिल वाले लोग हैं हम, और हर रोज आपके बारे में सोचते हम भाई। नहीं सब, आप सब पुलिस वाले जैसे कि आपके लोग हैं, और हम चाहते हैं कि आप लोग मदद करें, आपका बिजनेस चलाएं, आप लोगों के घरों में जैसे कि रोशनी लाए, आपके बच्चे बड़े लोग बने, आप लोग अच्छे पैसे वाले बने, आपके घरों में भी हमारे जैसे लोग पैदा हुए, एडिशनल एसपी बने, एसपी बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, चिराग जैसा क्रिकेटर बने, अजहरुद्दीन तो बन गया और रिटायर भी हो गया। तो साथ दो यारों, साथ दो हैदराबाद की ट्रैफिक को मेंटेन करने का मौका दो हमारा। शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आपको। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि रवि साहब को ये प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। अच्छा, आप लोग कोई बात करना है तो बात करिए भाई। आप लोग कोई तो यार के बात करने की है। आपकी गाड़ी जाती है साहब, हम लोग जब बैठते हैं आपकी गाड़ी की आवाज सुनते हैं साहब, पीछे हो जाए साहब, आप लोगों ने डर के था। हम हर हर किसी हमारे नसीमा रेसा साहब के, हमारे यहाँ सिकंदराबाद के क्या है वो पहले हमारे ग्रीन एनजीओ लीडर थे साहब, हमारे साहब हमारे हर किसी को यही बोले, अरे देखो रे तुम लोग इज्जत से बैठो, सीधा बैठो, अच्छा बैठो, जैसा आप अभी बोले मेरे को, अभी पब्लिक को बोले आपके साथ, हमें हमारे साथ भी बहुत बोलते थे हमारे को कि सही बैठो रे तुम लोग। तो हमारी आदत क्या है साहब, अभी नरसिम्हा साहब रेड्डी साहब आ गए गाड़ी लेके बुलेट लेके, अब ये स्टेट पर ठहरे हम, आके साहब की गाड़ी देख दी, क्या हुआ रे तुम लोग वैसी है, और साहब अभी साहब की देख दे फिर ऐसा हो गए भाई, गुना नहीं माना भाई, पत्थर गड्डी के या कहीं के भी लोग आगे, अगर हम स्टेट से सही तरीके से बैठे हमारी मजा नहीं है, साहब लोग आते नहीं हमारे साहब, आगे हमको टचने करते, हमारी आदत ये है आगे और पीछे, ये हमारी आदत अगर चले गई, अभी साहब बोले हम आप लोग इज्जत से बैठो सही बैठो, तो आगे हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे लिए बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत प्यारी बात है, आगे हम बहुत गुजरते हैं, हमारे साहब भी आगे हमको गया बहुत बोले आप सही बैठो रहे। आप बोल, मैं बोलो ना साहब के साथ में कई बार आके बोले तो साहब के साथ में पूरा सर्वे किया मदीना से मंदिर तक। तो बात कर रहे हैं श्रीनिवास रेड्डी, आपके इंस्पेक्टर साहब आके बोल रहे हैं, वो बाजू में चप्पल की दुकान लगाते हैं आप, बड़ी इनकी दुकान है बोले। मैं और एक भी बैग की दुकान देखो यहाँ बच्चा रिनार पाएगा, ऐसा दिखता है मैं इधर भी मान को चले गया क्या मैं, अरे बैग पे चार बैग रखो खत्म है तो फिर ला के रखो, बैग की दुकान भारत देश का नक्शा जैसा जमा था वहाँ चार मीनार के सामने, जहाँ पर जैसे कि पूरे जितने भी स्टेट्स है वो स्टेट का एक एक बैग रखता, नहीं क्या रखता नहीं मालूम, और बड़ी दुकान लगा था फूल वाला एक, और एक गीतर के साथ है चार कमान से पहले ऐसा बैठते हो ना, तो दुकान लगा के प्लास्टिक की लकड़ियाँ जमा के दुकान जमा के ऐसा आराम से बैठ रहे थे, मैं देखता हूँ क्या है माहौल इनका भी। अरे तुम लोग बिजनेस देखो, आए साथ को बिजनेस करो, बिजनेस इम्प्रूव करो, बिजनेस इम्प्रूव करो, ये भागम दौड़ो जो बोल रहे हैं ऐसा जा रहे हैं, नहीं क्यों जाना है ऐसा, जहाँ पर ऐसी जगह ठहरो जहाँ पर अपने को जाने का मौका ना मिले, ऐसा रखो बंडी को जहाँ पर पीछे हटाओ पीछे की एक्स्ट्रा बंडी को निकाल बोलने का मौका ना मिले, कब तक ये बातें सुनते ऐसा बिजनेस करते रहते आप लोग। तो तुम भी जैसे कि साहब क्या बोल रहे हैं दुकान छोटी करो मत, बड़ी दुकान लगाते बोल रहे हैं, चप्पल की दुकान के सामने रहती है,
साहब हमारे जनाब साहब पीछे हटते नहीं, उनका दुकान इतना बड़ा पीछे हटते नहीं, उन्होंने 10 मिनट लगाते एक छोटा पंडित लगाते उसके सामने इतना सजा के रखते 200 रुपए का। साहब बोले मैं कहना 10 रिंग है, कल से 6 रिंग रहेंगे, 6 रिंग रहेंगे साहब, मेरे 6 जरूरत है, कह रहे 4 से हो सकता, 4 भी करता हूँ साहब, 10 बोले 10 साहब क्या बोले मेरे को 10 रिंग रहते, एक मिनट साहब इतनी पब्लिक के सामने बोले 10, अभी आप जाके देखिए मिलन के सामने मेरी दुकान है 6 रिंग नहीं लगाता मैं, 4 या 5 थोड़ा पानी के से नहीं, 10 मतलब 10 नहीं उससे ज्यादा नहीं लगाना है, अपने हिसाब से लगाना है, बात खराब है आपकी, महंगा वाला हिसाब से लगा रहा नहीं, वो बाग वाला कौन सा पैसा लगा मशुरा देने के लिए बहुत बड़ा कोई है प्रोग्राम को खत्म करते हैं, शुक्रिया सबका।